ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की नई स्कीम का डिटेल ऑनलाइन प्रोसीजर। अप्लाई करने से पहले क्या डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो ब्राउचर के हिसाब से दी गई है और आपको उन सभी चीजों का ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले। किस तरीके का सरल सा प्रोसीजर है, एक खास वीडियो आप सभी के लिए हम लेके आए हैं, क्योंकि जनाब ये जो 166 जो ये प्रेसिडेंशियल प्लॉट्स ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कम से कम साइज 162 स्क्वायर मीटर से लेके 738 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स है, इन सभी का हम आपको एक निचोड़ी से वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो जो पहली बार आए हैं जरूर इस चैनल से जुड़ जाएं और हर खास अपडेशन प्राप्त करते रहे। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से अब आगे बढ़ाते हैं। तो जनाब जिस तरीके के हमारे पास आपके कमेंट्स भी आए थे, वो सब का सब ध्यान रखते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कवरेज करने जा रहे हैं आपके लिए डिटेल अपडेशन। जनाब आपको सबसे पहले ग्रेटर नोएडा authority.in/res_20123 तो आप टाइप करें। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे आपको सीधा का सीधा इस तरीके का आपको पोर्टल पेज का खुल जाएगा, जिसमें आपको स्कीम सीधी आपको डायरेक्ट दिखाई देगी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, जो कि ई ऑक्शन के माध्यम से निकाली गई है। इधर आप साइड में देखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्कीम ब्राउचर दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है और लास्ट में आपको जो अप्लाई करना है इस दिए हुए लिंक पे, इसमें आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा समझ लें पहले। जनाब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी हम फॉर्म भरते हैं उसमें हमेशा एक डिक्लेरेशन जरूर हमेशा होता है, जिसमें आप हमेशा यहां पे क्लियर कट आप इसको अंडरटेकिंग कहे या हम कहें कि आप इसके लिए एग्री करते हैं कि आपने जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, I further declare that I have carefully read and understood terms and conditions of residential plot and do hereby agree to abide by the same. Means आपने ये instructions, terms and conditions सारी पढ़ ली हैं और आप इसके लिए agree करते हैं। अब सारा का सारा authority further ये भी लिखती है, इसमें authority has full right to cancel My application form or allotment without assigning any reason. अगर कोई भी कमी मिलती है तो अथॉरिटी के पास पूरी पावर है। कहने का मतलब कि शुरू में ही आप जो ये फॉर्म सबमिट करते हैं उसमें हमेशा अथॉरिटी कोई भी हो, इस तरीके की डिक्लेरेशन एक फंडामेंटल हमेशा बनी रहती है। तो आइए जल्दी से अब वन बाय वन टर्म्स एंड कंडीशंस पहले समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो सबसे पहला क्लॉज नंबर 2 है ब्राउचर का, इसमें सबसे पहला लिखा है कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल, जो कि कोई कंपनी है वो अप्लाई कर सकता है, कोई फर्म है या कोई इंडिविजुअल है वो अप्लाई कर सकते हैं। उन सभी की एज मेजोरिटी होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर की एज वाला ही कर सकता है। तीसरा, एप्लीकेंट खुद, उनके स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन वो कर सकते हैं, लेकिन उनके जो है कोई भी उनके पास अलॉटमेंट फुल या पार्ट में लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो, कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट हो या फ्लैट हो, कोई भी इंडिपेंडेंट हाउस हो ग्रेटर नोएडा एरिया में, क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। अगर वो है, अलॉटमेंट उनको हो रखी है, तो वो इसमें अप्लाई ना करें। रही बात कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, अगर एक सिंगल फैमिली है, मींस हस्बैंड है, वाइफ है और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, वो सिर्फ एक ही सिंगल यूनिट के लिए अप्लाई करेंगे, अलग अलग से सेपरेट प्लॉट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है और एक्सेप्टेंस ऑफ बिड की भी इसमें बात कर लेते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट है। तो सबसे पहला,
वो ये है कि आपको अपनी स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका वेब रेजोल्यूशन मैक्सिमम 100x100 पिक्सल का मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरा, आपको इसका स्कैन कॉपी ऑफ एफिडेविट जो एक फॉर्मेट इसका पोर्टल पे दिया गया है, वो आपको उसकी स्कैन कॉपी भी एफिडेविट की देनी है, जमा करनी है। तीसरा, आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिसमें आपका एग्जिस्टिंग एड्रेस दिखाता है, एज दिखाता है, आइडेंटिटी दिखाता है और नेशनलिटी दिखाता है हर एक एप्लीकेंट की, मींस आपका जैसे कि आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको इस स्कीम में अपलोड करनी है। अब बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड पार्टी को सबसे पहले रजिस्टर्ड करना है अपनी यूजर आईडी उस पोर्टल पे जाके, जो मैंने आपको भी लिंक थोड़ी देर पहले दिखाया था, आपको वहां जाके रजिस्टर करना है और यूजर आईडी पासवर्ड आपकी क्रिएट हो जाएगी उस पोर्टल पे। इसके बाद आपको प्रोसेसिंग फीस जो कि नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल लगभग 5000 की है, वो उसका भी आपको इस पोर्टल पे जाके भुगतान करना है। आपको ये बता दे कि आप किसी भी प्लॉट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, आप अलग से सेपरेटली हर एक प्लॉट के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उस सभी के लिए अलग से सेपरेट ईएमडी पैसा उसका अलग से आपको उसका जमा करना होगा। अथॉरिटी के पास पूरी पावर है कि वो जो भी ऑप्शन में आपका प्लॉट दिया गया है उसको वो कैंसिल भी कर सकती है और आपकी जो भी बिडिंग का जो आपका हाईएस्ट बिड दिया गया है उसको भी फाइनली आने वाले वक्त में एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकती है। आपको ये बता दे कि जो बिडिंग आपकी जो भी रिजर्व प्राइस रखा गया है उससे आपको नीचे का बिडिंग नहीं लगानी है, वरना वो एक्सेप्ट नहीं होगी। दूसरी चीज, जो भी आप बिडिंग लगाएंगे, बोली जो आप लगाएंगे, उसमें लगभग इंक्रीमेंट वैल्यू 1% का रिजर्व प्राइस से आपको, जो कि थाउजेंड्स की क्लोजेस्ट फिगर्स में होगा, वो आपको लगाना होगा। एक महत्वपूर्ण चीज कि अगर मान के चलिए समय आता है खत्म होने का, क्लोजिंग टाइम का रह जाते हैं आखिरी के मात्र 5 मिनट और बिडिंग जो है आपकी कंटिन्यू उस समय पे लगाई जा रही है, आप लगा रहे हैं या कोई और लगा रहा है, तो ये मान के चले कि बिडिंग का जो टाइम है लगभग फर्दर 15 मिनट के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा लास्ट बिड से। अब हम बात करते हैं आपकी पेमेंट ऑफ मोड, आपने जो इसमें पेमेंट देंगे वो किस तरीके से देंगे। आपने यूजर आईडी पासवर्ड अपना बना लिया और इसके बाद आपको ई ब्राउजर की फी या प्रोसेसिंग फी या ईएमडी फी कोई भी आपको भुगतान करना है तो आप कौन से माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड फी प्रोसेसिंग फी अपनी करनी है, वो आप प्रोसेसिंग फी का पेमेंट का माध्यम क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड फी प्रोसेसिंग फी ईएमडी भी आपको जमा करनी है तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, एनईएफटी के माध्यम से भी कर सकते हैं और ईएमडी के लिए सिर्फ आप आरटीजीएस कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई का आपके पास चेक है तो आप किसी भी एसबीआई ब्रांच में जाके वहां पे इसकी फीस, प्रोसेसिंग फीस और ईएमडी का पैसा का भी भुगतान कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका बिडिंग के टाइम पे इनकम्प्लीट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपका जैसे ही जो भी कोई आपके में से कोई एक हाईएस्ट बिडर होगा, उस एप्लीकेंट के लिए अलॉटमेंट लेटर मात्र 30 दिन के अंदर, जिस दिन ऑक्शन क्लोज होगी मात्र 30 दिन के अंदर अथॉरिटी की तरफ से अलॉटमेंट लेटर इश्यू कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके का आपको कंफ्यूजन है तो आप कस्टमर केयर के टेक्निकल सपोर्ट जो 02-228-4-1-0 पे आप कॉल कर सकते हैं और ईमेल etender.support@sbi.co.in पे जाके इनको मेल भी कर सकते हैं। आपको ई ऑप्शन दो तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, पहला http://etender.sbi, दूसरा आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in पे जाके भी इस पोर्टल पे जा सकते हैं। अगर हम और टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से
ये जो रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम है इसमें प्लॉट्स ऐड भी कर सकती है और प्लॉट विड्रॉ भी कर सकते हैं। साइज की बात करें वो भी बढ़ सकते हैं जो दिए गए हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो भी ऑफर आपको देगी हाईएस्ट बिड का वो उसको कैंसिल भी कर सकती है, एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है और इन सभी चीजों के लिए कोई भी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस आपको नहीं करी जाएगी इन ओनली ऑन एनी केस अगर आप डिस्क्वालिफाई बिड में होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके लिए अलॉटमेंट प्रोसेस की। आपको ये बता दे ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, मींस ये जितने भी प्लॉट्स 166 निकाले गए हैं ये सारे के सारे ऑक्शन के माध्यम से होंगे, लेकिन जब तक ये फुलफिल नहीं होंगे, लेफ्ट ओवर प्लॉट्स अगर रहेंगे तब तक ये स्कीम ओपन एंडेड मतलब खुली रहेगी और पोर्टल पे आपको रिफ्लेक्ट होती रहेगी। लेकिन आप में से कोई भी हो सकता है मात्र 10 दिन के अंदर ही, जब भी ऑक्शन होता है जो डेट होती है 10 दिन के अंदर ही सारे के सारे अगर सेल हो जाते हैं तो स्कीम उसी तारीख से हो जाएगी क्लोज। आपको ये बता दे कि जो इसकी स्क्रूटनिंग है ये एक अलॉटमेंट कमेटी के माध्यम से जो अथॉरिटी ने बनाई है उसी के माध्यम से इसका फाइनल एप्लीकेंट्स का स्क्रूटनिंग के बाद फाइनल अलॉटमेंट दिया जाएगा। रही बात आपकी लेआउट प्लान की, जहां पे दिए गए हैं उसी के बेस पे आपको लेआउट प्लान आपको दिए जाएंगे। अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन की, कोई भी इंसान अगर एक से ज्यादा अप्लाई करना चाहता है तो वो मल्टीपल प्लॉट्स में अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको उसका ब्राउचर प्रोसेसिंग फीस और साथ में ईएमडी हर एक प्लॉट की सेपरेटली पे करनी होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई इंसान 4 प्लॉट में अप्लाई करना चाहता है तो वो भी उसमें कर सकता है, शर्त ये है कि आपको हर एक की अलग से सेपरेट फीस पे करनी होगी। अब मान के चले कि आपने 4 प्लॉटों में अप्लाई किया ए बी सी डी और आपका एक मान के चले ए प्लॉट नंबर में हाईएस्ट आपकी बिडिंग चली जाती है तो बी सी और डी का आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी किसी भी एक में भी आपकी किसी में भी बिडिंग नहीं आपकी निकलती है तो आपको सारा का सारा आपके चारों प्लॉटों का आपका ईएमडी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। इस चीज का मान के आप ध्यान रखें कि जो भी अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट होगा उनका पैसा मात्र 30 दिन के अंदर जो लास्ट डेट ई ऑक्शन का होगा विदाउट एनी इंटरेस्ट आपके खाते में वो आपको दे दिया जाएगा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे। फर्दर आपको ये बता दें जो आपको अलॉटमेंट लेटर है आपको मात्र 30 दिन के अंदर इशू कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी लॉकिन प्रोसेस के बारे में। तो आपको ये बता दे एज पर द नॉर्म्स जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दिए हैं हर एक इंसान को एक ही अलॉटमेंट प्लॉट का दिया जाएगा। जिसमें भी आप हाईएस्ट बिडिंग करते हैं आपको उसी के हिसाब से फाइनली लॉकिन प्रोसेस आपको इस ई बिडिंग के माध्यम से एक सिंगल प्लॉट फाइनली आपके लिए लॉक कर दिया जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट की अगर हम बात करें आपको कोई भी एक्सटेंशन अलग से अलाउ नहीं दिया किया जाएगा आपको अलॉटमेंट मनी डिपॉजिट करने के लिए। और अगर आप उसका नहीं करते अलॉटमेंट मनी तो आपका अलॉटमेंट लेटर कैंसिल होगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन मनी आप जो जमा कर रहे हैं ईएमडी की कॉस्ट वो आपका पैसा हो जाएगा फोरफिटेड। आपको ये बता दे किसी भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जो ऑथराइज ऑफिसर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के है वो आपको परमिशन दे सकते हैं एक्सटेंशन का सिर्फ और सिर्फ पेनल इंटरेस्ट 3% पर एनम का जो कि प्रो राटा बेसिस पे निकाला जाएगा। अगर हम बात करें तो लगभग जो आपको कहने का मतलब 13% पर एनम बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग एमसीएलआर रेट्स के हिसाब से आपको जो है इसका एक्सटेंशन मिल सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सीईओ और हम कहे ऑथराइज ऑफिसर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ही आपको इसका कोई एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आपको दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करते हैं आपकी पेमेंट शेड्यूल की। तो आपको ये बता दे जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट है
उनको अपना पूरा का पूरा 25% का अमाउंट, कहने का मतलब 10% तो आप अभी जमा कर रहे हैं ईएमडी का, रही बात आपकी बाकी के पैसे की 15% की, तो आपको वो जो पैसा आपका रिमेनिंग रह गया है वो आपको मात्र 15 दिन के अंदर जब आपको अलॉटमेंट लेटर इश्यू होता है आपको उसका पैसा भुगतान जमा करना होगा अथॉरिटी को। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी अलॉटमेंट कैंसिल होगी और अर्नेस्ट मनी आपका हो जाएगा जब। दूसरा प्रावधान आपको ये बता दे इस पेमेंट शेड्यूल का कि जो आपका बैलेंस पेमेंट 75% का रह गया है, मतलब 25% अपने यहां दे दिया, 100% में से रह गया 75%। अभी जो 75% है इसको आप दो ऑप्शन के माध्यम से दे सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आप इस पूरे 75% का जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आपको जिस दिन इश्यू होता है उसके मात्र 60 दिन 2 महीने के अंदर आप पूरा पैसा 75% जमा कर देते हैं, फुल पेमेंट कर देते हैं, तो आपको 2% का रिबेट मिलेगा आपने जो भी बिड प्राइस किया है। दूसरा, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो अगर आप 75% आप उस तरीके से पे नहीं करते 2 महीने के अंदर, तो उस दूसरा जो प्रावधान है उसमें आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको मात्र 1 साल के अंदर 75% इश्यू कर, जो आपका डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर से आपको 1 साल के अंदर आपको उसका 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में, कहने का मतलब आपको हर 3 महीने में आपको उसका जो पैसा है भुगतान सिंपल इंटरेस्ट जो आपका बनेगा, कहने का मतलब MCLR रेट प्लस 1% करंटली जो कि 10% है, आपको इंटरेस्ट रेट के साथ आपको इसका जो पैसा है भुगतान आपको जमा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को करना होगा। अब हम बात करते हैं आपसे मोड ऑफ पेमेंट की, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये चीजें आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सारा का सारा पेमेंट www.greaternoidaauthority.in की वेबसाइट जो इनकी दी गई है उसी के माध्यम से आपको इसकी पेमेंट करनी है। अगर हम बात करें आपको प्लॉट कहाँ दिया जाएगा, जनाब आपको ये बता दे ये आपको प्लॉट एज इज वेयर इज बेसिस के बिहाफ पे, जो आपको हमने दिखाए हैं प्लॉट जहाँ पे लोकेशन है, आप पर्सनली, इसमें भी लिखा गया है कि आप पर्सनली विजिट करें प्लॉट की लोकेशन देखें, उसके बाद इस ई ऑप्शन में भागीदारी का हिस्सा बने, ये सारे के सारे प्लॉट आपको 90 साल की लीज पे दिए जाएंगे। एक चीज और जो इसमें प्रावधान दिया गया है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन मनी है अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा विदाउट इंटरेस्ट, अगर आप 1 साल के अंदर आपको पैसा आपका वापस हो जाता है, लेकिन अगर आपका पैसा 1 साल से ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम का ब्याज आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी पीरियड ऑफ लीज की, जिस दिन आपकी लीज डीड रजिस्ट्री होगी 90 साल के लिए आपको लीज के बिहाफ पे आपको ये जो प्लॉट है दिए जाएंगे, इसका आपको लीज रेंट का भी भुगतान करना होगा। आपको ये बता दे लीज रेंट अभी फिलहाल के लिए आपको 1% टोटल प्लॉट प्रीमियम के लिए शुरू के 10 साल के लिए आपको लीज रेंट 1% के बिहाफ पे आपका प्रीमियम आपसे लिया जाएगा, लेकिन 10 साल के बाद जो लीज रेंट है वो एनहेंस होगा, बढ़ेगा 50%, जो कि लगभग हर 10 साल में आपको जो आपको इसको अलग से आपको लीज रेंट पे करना होगा। आपको ये बता दे जो लीज रेंट है वो हमेशा इन एडवांस एवरी ईयर आपको इसको इसकी पेमेंट भुगतान करनी होगी। पोजेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें, जिस दिन आपकी लीज डीड हो जाएगी उसके बाद इस रेजिडेंशियल प्लॉट का आपको पोजेशन हैंडओवर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी सरेंडर की अलॉटमेंट की, किसी वजह से आप अपना प्लॉट सरेंडर करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रावधान भी आप समझ ले, जिस दिन आपकी ई ऑक्शन होना है उससे पहले 72 घंटों से पहले, कहने का मतलब मात्र 3 दिन उससे पहले अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं, अपना ई ऑक्शन से विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपका अर्नेस्ट मनी आपको रिफंड कर दिया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, जो आपने आज की तारीख में जमा कर दिया है। लेकिन अगर आपका आप हो जाते हैं सक्सेसफुल,
कहने का मतलब आपको जो है आप इस बिडिंग में फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन अलॉटमेंट लेटर भी इशू नहीं होता, फिर भी आपका ईएमडी पूरा का पूरा फोर्टफिटेड हो जाएगा। अगर आप 15 दिन के बाद भी अलॉटमेंट लेटर आपको इश्यू होता है, फिर भी आपका ईएमडी अमाउंट फोर्टफिटेड ही कहलाएगा। लेकिन अगर आपका अलॉटमेंट लेटर इश्यू हो जाता है और लीज डीड एग्जीक्यूट होनी रह जाती है और आप सरेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने जो ईएमडी अमाउंट दिया साथ में आपका जो 10% का टोटल प्रीमियम प्लॉट की कॉस्ट, वो आपकी फोर्टफिटेड हो जाएगी। लेकिन हम बात करें अगर आपकी लीज डीड भी एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके बाद आप अपना प्लॉट सरेंडर करना चाहते हैं, तो आपका 25% टोटल प्रीमियम प्लॉट की कॉस्ट आपकी फोर्टफिटेड हो जाएगी। और अगर आप सारी प्रक्रिया आप सारा का सारा कर लेते हैं, तो आपको ये बता दे कि आप अगर बाद में आप सरेंडर के लिए अप्लाई करते हैं पूरी पेमेंट रिसीव होने के बाद, तो आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपका पैसा आपको रिफंड नहीं उस समय पे किया जाएगा। एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं किसी भी वजह से, आपको उसमें अपने जो आपने अपने सिग्नेचर और फोटो एप्लीकेंट के जो दिए गए हैं एप्लीकेशन पे, वो आपको अटेस्ट कराने होंगे कंसर्न गजेटेड ऑफिसर या बैंकर से। अगर हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आपकी जो प्रॉपर्टी जब लीज डीड रजिस्ट्री हो जाएगी अलॉटमेंट लेटर इश्यू होने के बाद, उसके बाद अगर आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक आपके जितने भी पेपर्स है वो अपने पास रखता है, तो उसके लिए जो मॉर्गेज का जो प्रावधान रहता है, ये उन इंसानों के लिए है जिन लोगों ने बैंक के थ्रू लोन लेना है। तो आपको ये बता दे कि आपको इसके लिए बैंक से जो भी कंसर्न बैंक है, आपको जरूर उनसे एक बार जरूर कंसल्ट करना होगा कि आपको बैंक से लोन कौन सा बैंक देगा और किस रेट पे देगा। तो उसके बाद आपकी जो इस रेजिडेंशियल प्लॉट की मॉर्गेज हो जाती है। और फाइनली आपको ये बता दे, इसमें अगर आप बैंक से मॉर्गेज कराना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए आपको लगभग भुगतान भी करना होगा, प्रोसेसिंग भी 5,000 रुपए का, जो कि आपको चार्जेबल बेसिस पे आपको देना होगा। अब ये है हमारे लैंड के रेट्स, जो कि जोन ए बी सी डी में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि 39,000, 36,000, 34,000, 29,000 पर स्क्वायर मीटर की रेट है सेक्टरों के हिसाब से। आपको मैंने पहली वाली वीडियो में आपको इसके बारे में बता दिया है, वो आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा प्लॉट कौन से सेक्टर में किस रेट के हिसाब से दिया गया है। अब हम फाइनली आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो जनाब, आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपको कौन सा प्लॉट नंबर आप भर रहे हैं, कौन से ब्लॉक में भर रहे हैं, कौन से सेक्टर में और कौन से एरिया साइज का भर रहे हैं, ये आपको जरूर देखना है। जो भी आप भर रहे हैं वो आप इसकी डिटेल्स इसमें भरे। उसके बाद आपका जो डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट जो आपने अर्नेस्ट मनी करी, उसकी डिटेल आपने देनी है। ये आप कैसे कर रहे हैं, आरटीजीएस के माध्यम से कर रहे हैं, यूटीआर के माध्यम से कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन, उसका आपका जो नंबर आप जो आपका जनरेट हुआ है, उसका आपको नंबर डिटेल डालनी है, डेट डालनी है, कौन से बैंक से हुआ है, कौन से ब्रांच से हुआ है। आपको आपका पैसा रिफंड भी चाहिए इनकेस आप अनसक्सेसफुल होते हैं आने वाले समय में। तो आपका अकाउंट नंबर बहुत ध्यान से भरे, बैंक नेम ब्रांच सही से भरे, आईएफएससी कोड सही से भरे, कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। जो भी एप्लीकेंट है उनको अपना फुल नेम भरना है कैपिटल लेटर्स में, अपना जेंडर भरना है मेल या फीमेल, अपना फादर्स हस्बैंड नेम भरना है अगर शादीशुदा है तो वो भरे, अगर आप वाइफ या हस्बैंड नेम में अगर मैरिड हैं तो उसकी डिटेल डालें, अपना आधार नंबर डालें, प्रेजेंट एड्रेस पूरा डिटेल में डालें, जो आपका एज पर एड्रेस प्रूफ में आपका दिया भी गया है, जो आपका मान के चले आधार कार्ड में आपको दिया है, वो आप सही से अपना एड्रेस प्रूफ डालें जो आपका वैलिडेट आज की डेट में वैलिड भी करता है। आप अपना मोबाइल नंबर डालें, अपना ईमेल आईडी डालें, अपना परमानेंट एड्रेस भी डालें, उसके बाद अपनी एज डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, अपना एप्लीकेंट पैन नंबर डाले, अपना एप्लीकेंट आधार नंबर डाले, जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं
उन सभी का नाम, एज, रिलेशन क्या है और उन डिपेंडेंट का आधार नंबर डालें, इधर अपना साइन करें, डेट डालें, प्लेस अपनी बताएं और फाइनली अपनी यहाँ पे फोटो आपको जो है वो भी आपको अपडेट करनी है। तो जनाब ये था एक सीधा सा साधारण सा प्रोसीजर जो हमने आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। आपका प्यार और सम्मान जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सब्सक्राइबर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं हमेशा आपको सही अपडेशन के साथ, गाइडेंस के साथ और सही इंफॉर्मेशन के साथ, समय के साथ आपको पहुंचाते रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। यही हमारी एक इच्छा थी और इच्छा अब ये पूरी होने जा रही है। बस यही हमारा मनोबल बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं चैनल से जल्दी से जुड़ जाए और अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं एक नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।